हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ एमसीक्यू, जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे आपके आईटी लेवल के हो चाहे आपके मैकेनिकल लेवल के हो। तो उसमें अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों न्यू क्वेश्चन है, और इसमें आपके जो आपके फिटर ट्रेड होती है, मशीनिस्ट होती है, टर्नर होती है, और भी कोई ट्रेड है तो वह इस वीडियो को दे सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक देखें, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। और क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं, तो ऐसे भी हो सकता है दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दूं, तो 20 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा ही मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आता और वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो दोस्तों, टेक्निकल वीडियो हम काफ़ी सारी बना चुके हैं अभी तक। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ में बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है, तो आपके पास वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और साथ में बेल आइकन भी जब आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप से बेल आइकन हो जाती है, तो उस पर ही आपका जो है नोटिफिकेशन पहुँचेगा मोबाइल पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आर देयर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, 2 लिखा है, 4, 5 और 1 लिखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 2। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो आने वाला एग्जाम गवर्नमेंट के जॉब के से रिलेटेड है, टेक्निकल, उस टाइप्स में जो है अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। एक प्लेनर में धातु को काटा जाता है। द मेटल इज कट इन ए प्लेनर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, बैकवर्ड लिखा, फॉरवर्ड और बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस लिखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लेनर धातु काटती है वो हमारी बैकवर्ड स्ट्रोक में काटती है, बैकवर्ड इन स्ट्रोक। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए ए होगा। और यदि हम शेपर मशीन की बात करें, तो शेपर मशीन में क्या है कि वो हमारी फॉरवर्ड स्ट्रोक में धातु को काटती है। दोनों का जो है, इनका जो कटिंग का प्रोसेस है वो अपोजिट है। तो आपको केवल याद रखना है, प्लेनर का बैकवर्ड में होगा और शेपर का होगा फॉरवर्ड में। ठीक है, कंप्लीट दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद चलते थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, क्ला हथौड़ा का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो क्ला हैमर इज़ मोस्टली यूज। तो क्ला हैमर का दोस्तों जो हम प्रयोग करते हैं वो हम आप ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले फिटर व्यवसाय में लिखा है, और टूल एंड डाई व्यवसाय में लिखा है, और लोहार व्यवसाय में लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि बढ़ई व्यवसाय में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा कि बढ़ईगिरी व्यवसाय में। ठीक है, कारपेंटरी जो हमारा कारपेंटर शॉप होती है उसमें अधिकतर क्ला हैमर का हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? लकड़ी से कील निकालने के लिए क्ला हैमर का जो है क्ला हथौड़ा या हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्ला हैमर की इमेज आप देख सकते हैं, इस टाइप से जो है क्ला हैमर होता है, जिसका प्रयोग जो है अधिकतर लकड़ी से कील निकालने के लिए किया जाता है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वह डी होगा, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लग गेज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि वेयर इज़ द यूज़ ऑफ प्लग गेज। तो प्लग गेज के लिए ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। सबसे पहले लिखा है ए ऑप्शन में, छेद की माप जांचने के लिए। बी में लिखा, उभार परीक्षण करने के लिए, फिटिंग साइज परीक्षण करने के लिए, और टेपर व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, छेद की माप चेक जाँचने के लिए, टू चेक द मेजरमेंट ऑफ द होल। तो प्लग गेज का अधिकतर प्रयोग किसी भी होल की जो है डायमेंशन जो होती है हमारी, उसका जो साइज हम चेक करते हैं प्लग गेज से अधिकतर चेक किया जाता है। जब मार्क्स प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे गेजों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जहाँ गो जिस किस प्लग किस प्लग गेज का गो और नो को सीधा एक ही तरफ रखा जाता है, तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव प्लग का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फोर्थ भी कंप्लीट, इसके बाद चलते हैं फाइव क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा उसको हम किस में जो है मापते हैं। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, वोल्ट लिखा है, बी में लिखा एम्पियर, सी में न्यूटन, डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा फाइव का, वह हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है, उसकी यूनिट है एम्पियर। तो फाइव भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। एक काटने का उपकरण की ताकत निम्नलिखित कोण पर निर्भर करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग एंगल। तो काटने की जो क्षमता है वो किस पे जो है निर्भर करती है। ऑप्शन देख सकते हैं, लिप एंगल लिखा है ए में, बी में लिखा क्लियरेंस एंगल, सी में रैक एंगल, और डी में लिखा कटिंग एंगल। तो इसका जो आंसर जाएगा सिक्स का, वह हो जाएगा डी, कटिंग एंगल पर जो निर्भर करती है। कोई भी हमारा जो टूल है, यदि हमारे हम ड्रिल भी बात करें, तो कटिंग एंगल पर जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कटिंग एंगल पर निर्भर करती है। सबसे पहले इसका आंसर ये होगा। तो एक क्वेश्चन और भी आता है इस रिलेटेड, वहाँ पे उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबाव हो जाता है। तो वो उसमें पूछता है कि धातु पर, कटिंग एंगल पर, इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप इसका आंसर याद रखें, सिक्स का डी हो जाएगा, कटिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेवन क्वेश्चन पर। सेवन क्वेश्चन देखें क्या आता है। निम्नलिखित संपत्ति के कारण चिप्स प्रभावी रूप से टूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है
हमारे जो चिप्स होते हैं वो टूट जाते हैं किसके कारण, जो है जब हम धातु में कोई भी ड्रिल करते हैं, कोई भी कटिंग करते हैं तो टूट जाते हैं, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए धातु में? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें स्ट्रेस लिखा है, बी में इलास्टिसिटी, सी में टंगस्टन लिखा है और डी में लिखा है वर्क हार्डनिंग ऑफ वर्क मटेरियल। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा दोस्तों 7 का डी हो जाएगा वर्क। तो यहाँ पे डी इसका आंसर हुआ 7 का, क्लियर, वर्क हार्डनिंग ऑफ वर्क मटेरियल। इसके बाद चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये देखिए दोस्तों मिलिंग मशीन के निविनिर्देशक का महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पूछा है मिलिंग मशीन का, मिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन आप कैसे लेंगे? तो ए ऑप्शन देखिए साइज ऑफ टेबल, बी में स्पिंडल साइज, सी में आर्बर साइज और डी में है हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्बर साइज। आर्बर साइज जो है मिलिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन उसका जो है किया जाता है मिलिंग मशीन का, तो सी इसका आंसर हुआ। इसके बाद चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन देखें बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन के द्वारा गोल होल्स की फिनिशिंग करने की विधि को कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा, पहले आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखें, लैपिंग लिखा है ए में, बी में है रीमिंग और सी में ब्रोरिंग और डी में लिखा होनिंग। तो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होंगे, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी होनिंग, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग करने की बात कर रहा है। और वैसे आप रीमिंग भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन राइट जो आंसर होगा वह होनिंग होगा, क्योंकि अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो वहाँ पर हमें होनिंग जो है कर सकते हैं, होनिंग की जाती है। तो इसका डी आंसर राइट होगा। इसके बाद चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि प्लेन टर्निंग करते समय कौन सा टूल एंगल चिप्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि हम जब चिप्स निकलता है वो कौन सा जो है फॉर्मेशन कंट्रोल, आप इंग्लिश में पूरा पढ़ सकते हैं, तो विच टूल कंट्रोल्स द एंगल चिप्स फॉर्मेशन विल टर्निंग द प्लेन। तो इसके बाद ऑप्शन देखें साइड क्लियरेंस एंगल लिखा है, बी में लिखा फ्रंट क्लियरेंस एंगल, सी में अप्रोच एंगल, डी में है टॉप रैक एंगल। तो 10वें का डी आंसर हो जाएगा, टॉप रैक एंगल जो है फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो इसका डी आंसर होगा 10 का। इसके बाद चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। तो 11 क्वेश्चन वेल्डिंग मशीन से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो ए है टिग वेल्डिंग, बी में है स्टड वेल्डिंग, सी में ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और डी में है लेज़र वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा 11वें का वह होगा दोस्तों डी लेज़र वेल्डिंग। लेज़र वेल्डिंग का इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं हम 12 क्वेश्चन पे। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखें क्या निकल कर आता है कि ये भी वेल्डिंग क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सी दोबारा से पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो यही आंसर इसका क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन देखें ए में लिखा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बी में है लेज़र वेल्डिंग, सी में थर्मिट वेल्डिंग और डी में है टिग वेल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है हमारी प्रेशर वेल्डिंग है। इसके बाद चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। तो 12 क्वेश्चन देखे क्या निकल कर आता है कि स्लिप गेज का क्वेश्चन है, स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ये लिखा लिंकिंग स्लिप गेज टुगेदर। तो यहाँ पे ए में लिखा रबिंग, बी में है रबिंग रिंगिंग और सी में है रिंगिंग और ये डी में है रिमिंग। तो इसका जो आंसर होगा रिंगिंग। रिंगिंग के से ले दोस्तों हमने एक वीडियो का पहले बनाई है स्लिप गेज को लेकर, तो आप उस वीडियो को देखें, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्लिप गेज को लेकर, आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्लिप गेज का क्लियर हो जाएगा यदि आप उस वीडियो को देखते हैं। तो रिंगिंग होती है स्लिप गेज में, जिसको हम आपस में चिपकाते हैं, दो स्लिप को आपस में मैच करते हुए जोड़ते हैं तो आपस में चिपक जाती है, तो वही उसी को हम रिंगिंग कहते हैं। तो स्लिप गेज में जोड़ने की क्रिया को रिंगिंग बोला जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, राइट। इसके बाद चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है, द स्टैंडर्ड स्टील रूल इज मेड ऑफ द विच मेटल। तो कौन सा मेटल है जिसका स्टैंडर्ड स्टील रूल बना जाता है? अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्प्रिंग स्टील लिखा है, बी में स्टेनलेस स्टील, सी में माइल्ड स्टील और डी में नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग स्टील के भी बनाए जाते हैं, और लेकिन जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो बी इसका आंसर होगा, स्टैंडर्ड स्टील रूल की धातु होती है जो मेटल होता है उसका स्टेनलेस स्टील होता है। तो इसका आंसर होगा बी, 14 का क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, लिखा है कि टंगस्टन स्टील की होनिंग में प्रयोग क्या किसका आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, यूज़ द होनिंग टंगस्टन स्टील। तो टंगस्टन स्टील की यदि आपको होनिंग करनी है तो आप इस वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? तो ए ऑप्शन देखें डायमंड लिखा है, और बी में लिखा है सिलिकॉन कार्बाइड, ए सी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी में है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो दोस्तों आंसर होगा 15वें का वह होगा दोस्तों ए टंगस्टन। यदि हमें जो है होनिंग करना है तो वहाँ पे डायमंड का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका डी ए इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। इसके बाद चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस थ्रेड की सबसे अधिक गहराई होती है, विच थ्रेड हैव द हाइस्ट डेप्थ। तो जो थ्रेड होती है वो हाइएस्ट डेप्थ जो होती है, ऑप्शन देख सकते हैं, एक्मे थ्रेड दिया, वर्म थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड दिया गया है। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वह होगा दोस्तों 16 का, ये दोस्तों आप देख सकते हैं वर्म जो थ्रेड होती है हमारी उसकी जो गहराई सबसे अधिक होती है, तो वर्म थ्रेड राइट आंसर होगा 16 का। तो 20 का आंसर होगा, वर्म थ्रेड की गहराई सबसे ज़्यादा होती है। इसके पर चलते हैं 17 क्वेश्चन पे।
तो लोहे का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन देखें, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो यहाँ पे लोहे का यदि शुद्ध रूप की बात चल रही है दोस्तों, उसको आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन देखें रोट आयरन लिखा है, बी में कास्ट आयरन और सी में माइल्ड स्टील, डी में है स्टील। तो रोट आयरन का जो है शुद्ध रूप होता है, रोट आयरन जो है शुद्ध रूप होता है लोहे का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 17 का। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। इसके बाद चलते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन है, इसके बाद है क्वेश्चन ब्रेजिंग के लिए प्रयोग प्लस यूज फ्लेक्स फॉर ब्लेजिंग। तो यहाँ पे देखें लिखा है क्रोसी फ्लेक्स, बिस्मिथ लिखा है बी में, और सी में लिखा है जिंक क्लोराइड, और डी में लिखा बोरेक्स। तो इसका आंसर दोस्तों 18वें का होगा, वह होगा डी बोरेक्स, जिसे हम हिंदी में सुहागा भी दोस्तों बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ब्रेजिंग के लिए प्रयोग फ्लेक्स की यदि हम बात करें तो वहाँ पर बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी आंसर होगा, ब्रेजिंग के प्रयोग जो किया जाता है बोरेक्स किया जाता है। तो 18 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन, देखते हैं कहाँ निकल क्या निकल कर आता है। तो ये लेथ मशीन क्वेश्चन है, लेखे लेथ मशीन से क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। लेथ मशीन पर वी चूड़ी काटते समय टूल पॉइंट को सेट किया जाता है। तो यदि हम वी चूड़ी को काट रहे हैं लेथ मशीन पर, तो आपको टूल पॉइंट को कैसे सेट करेंगे। तो ए ऑप्शन देखिए लिखा है कि स्क्रू पिच गेज, बी में लिखा है सेंटर गेज, सी में है प्रोफाइल गेज, और डी में है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का, वो होगा पी, सेंटर गेज का हम प्रयोग करते हैं लेथ मशीन पर वी चूड़ी जो काटते हैं टूल पॉइंट को सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो 19 का जब बी आंसर होगा राइट। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 20 क्वेश्चन पर। यदि दोस्तों अब तक आपने वीडियो देख ली है और वीडियो में कुछ भी दोस्तों अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक और साथ के साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये क्वेश्चन आने वाली कोई भी एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप आसानी से इनका जो आंसर लगा सकें। और किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन देखें, गियर का पिच सर्किल ही खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, द पिच सर्किल ऑफ गियर इज़ कॉल्ड। तो क्या आप कहेंगे पिच सर्किल को। तो ऑप्शन ए में देखें डायमीटर लिखा है, बी में लिखा है इफेक्टिव सर्किल, और डी सी में है मेजर डायमीटर, डी में है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा 20 का बी, इफेक्टिव सर्किल। इफेक्टिव सर्किल जो है बोला जाता है पिच सर्किल को। गियर की यदि हम बात करें, चाहे आप थ्रेड की बात कर लें, तो वहाँ पर भी पिच सर्किल को इफेक्टिव डायमीटर बोल सकते हैं, सर्किल बोल सकते हैं, तो वो हम जो है उसको कह सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के जो है टेक्निकल एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि एमसी क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मैंने दिखाए हैं क्वेश्चन। तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक और अपने साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो से जल्दी ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।